एडिटिंग का काम करा रहा ना, तो ये उस्ताद इकबाल का नंबर बहुत निशान है, ये भी रिमूव हो रहे हैं। यहाँ से गाड़ी लगी हुई है ना, अगर हम यहाँ से इसके नट खोलते ना तो इस पे निशान आ जाते, और यहाँ से भी थोड़ी ठिकी हुई है जिसका इसका बम्पर है ना, जो ये लाइन ये आउट हो गई है। वेलकम गाइस, वेलकम बैक विद न्यू ब्रांड वीडियो। यार सीन कुछ ऐसा है, आज हमारी मेहरान की गाड़ी की हो रही है डेंट निकल रहा है, तो मैं आपको दिखा तो मैंने कहा ना मेहरान की सीरीज आने वाली है, तो शायद थोड़ा आप किस्तों पे काम होना शुरू होगा मेहरान का। ये हमारी मेहरान गाड़ी जिसका डेंट निकालने जा रहे हैं हम, इसका जो डेंट था जो साइड में लगी थी, बाकी ये गाड़ी का जो लग गई थी किसी वजह, ये मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया था, ये लग गई थी हमारी गाड़ी से, तो इसका डेंट भी निकलेगा। आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि साइड में गाड़ी लग गई थी हमारी, तो इसका डेंट आ गया था इस साइड, तो वो निकलने जा रहा है। A few moments later, हमारी गाड़ी फाइनली अभी तक भी बन रही है। वो भाई साहब जो मैकेनिक है हमारे काम कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा ही काम हो गया था क्या पता नहीं क्या, और अभी तक वो लगे हुए हैं। तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ है, अभी तक भी सेटल इनका काम कर रहा ना, तो ये उस्ताद इकबाल का नंबर भी लिखा हुआ है और उस्ताद इरफान का, अगर मेरा रेफरेंस दोगे तो बिल्कुल काम सही करेंगे। बोले सैयद अवेश नकवी मेहरान गाड़ी जिनका डेट निकाला था ना साइड वाला, तो उनका मेरा रेफरेंस दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको काम भी अच्छा होगा रियायत के साथ। थोड़े बहुत निशान है, ये भी रिमूव हो रहे हैं किसी सॉल्यूशन की मदद से, ये देख सकते हैं। सिंपल यहाँ से गाड़ी लगी हुई है ना, अगर हम यहाँ से इसके नट खोलते ना तो इस पे निशान आ जाते, और निशान आ जाते ना तो हर किसी को पता चल जाता कि ये गाड़ी ठुकी हुई है। अब इसका अंदर से काम हुआ है तो पता नहीं चलेगा कि गाड़ी ठुकी हुई है या नहीं, ये उस्ताद इकबाल का काम है। सीन कुछ ऐसा है, हमारी गाड़ी की जो पॉलिश है वो भी रहती है, और उसका जो स्ट्रिंग बॉक्स का वो भी काम रहता है, और अभी तो इसका सिर्फ एक डेंट वाला काम ही हुआ है जो कि अभी भी प्रोसेस में, तकरीबन कोई घंटा हो गया अभी तक ये प्रोसेस नहीं है, और उसका जब डेंट निकलेगा, याद है ना आपको मैंने सामने वाली CNG पे जब पंचर निकलवा रहा था तो मैंने आपसे बात की थी कि मैं गाड़ी की सीरीज बनाऊंगा, जिसमें गाड़ी का काम भी होगा कि गाड़ी का क्या क्या गाड़ी में रहता है, मेंटेनेंस है गाड़ी की जो भी, लेकिन फिर अभी तो हम एक ही काम करवा रहे हैं गाड़ी का जो कि है डेंट, और बाकी काम हमें करवाने हैं वो किसी फ्री दिन, आज संडे तो मैंने कहा आज काम करवा लेते हैं। फाइनली गाइस यार गाड़ी का जो डेंट है वो हमारा निकल चुका है, अभी हम गाड़ी की वापसी से फिटिंग करें ताकि फिटिंग लगाएं, दिखाएं आपको कि गाड़ी हमारी फाइनली कैसी तैयार हुई है। यहाँ एक शोर इतना है ना रोड पर, बात ही करने नहीं देता। गाइस यार यहाँ से देखो हमारी गाड़ी है जो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, गाड़ी हमारी हो गई रेडी, अब इसमें थोड़ा बहुत और काम रहता है वो भी हम किसी फ्री टाइम करवाएंगे इस गाड़ी का, जैसे कि गाड़ी की ये गेट्स हैं, ये गेट वगैरह खुलेंगे सारे, ये गेट खुलेंगे और ये जो स्ट्रिंग का काम है और सीटें वॉश होंगी, ऐसे तो बहुत रहता है। गाड़ी की सीरीज आने वाली है वैसे मैंने आपको बताया था। भाई सीन कुछ ऐसा है, हमारी गाड़ी का काम हो गया है डन, और अभी हम चलते हैं घर। Next day. जी अगला दिन शुरू हो गया है, कि जैसे कि आपको कल पता था कि हमने गाड़ी जो है बनवाई थी डेंटर से, डेंट निकलवाया था इकबाल भाई से, सो आज नेक्स्ट डे, तो मैंने कहा चलो आज कपड़े वपड़े चेंज करके तेल लगा के सर पर, क्योंकि मुझे नहाना है नॉट के, तो मैंने कहा चलो आज गाड़ी वाड़ी साफ ऑफ कर लेते हैं। हमने गाड़ी का जो डेंट बनवाया था परली साइड का यहाँ का, चलो आज गाड़ी भी धो लेते थोड़ी बहुत, और हमारी बाइक भी धुल रही है क्योंकि इसको साफ करना लाजमी है, और इसको भी हम कभी कभी साफ़ करते हैं, तो मैंने कहा चलो आज गाड़ी के बहाने इसको भी धो ही लेते हैं क्योंकि बहुत ख़राब लग रही है, तो मैंने टायर भी धोए लेकिन मुझे इतने धोने नहीं आते क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने कहा चलो गाड़ी के टायर भी हमने धो लिए थे, सो गीले थे इसलिए वहाँ से पीछे गया था तो थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई है, लेकिन गाड़ी का रूम भी चमका वमका दिया है एकदम, उठ के बॉस तो बॉस है ना, बॉस को चमकाना तो हमारा फ़र्ज़ हो रहा है। ये देख दो, देख सकते हो रूम भी चमका वम कर दिया है हमने गाड़ी का। यार मेरा दिल कह रहा है कि इस गाड़ी को मैं मॉडिफाइड कराऊं, मॉडिफाइड मीन के नॉर्मल वाला मॉडिफाइड, ज़्यादा हेवी वाला भी नहीं, जैसे कि गाड़ी के यहाँ थोड़ा सा नीचे से बम्पर लगा दूं ताकि नीचे गाड़ी अच्छी लगती है, मेहरान तो ऐसे अच्छी लगती है जो न्यू होती है, और इसके थोड़ी बहुत रूम में इसको ब्लूटूथ लगवा दूँ, यहाँ ब्लूटूथ लगवा दूँ जैसे कार रीडर रखता है ना, और देन उसके बाद ये सीट्स कवर लगवा दूँ गाड़ी के सीट्स कवर, और थोड़ा स्ट्रिंग का ये कवर ऐसे में न्यू वाला लूँ क्योंकि मैचिंग अच्छी लग रही है, तो
तो मैंने कहा ऐसा ही हो लेकिन न्यू हो कोई, जिसमें ये ना ये जैसे ये फटा हुआ ना यहाँ से ऐसे फटे वटे हो ना हो, शायद ये ऐसे होता है पता नहीं क्या, लेकिन फटा हुआ नहीं चाहिए हमें, सिंपल चाहिए। और नीचे एक बॉक्स लगता है जो सामान वगैरह के रखने के लिए, जो होता है ना बॉक्स होता है कोई चीज़ रखो अपनी आप, तो उसके लिए। और भी इसमें बहुत सारी जो है मॉडिफाइड के लिए चीज़ें आती हैं, तो मैंने कहा वो भी लग जाए ना तो मेहरान तो भाई बॉस बन जाएगी ऐसे ना भाई जान। मस्ती कर रहे हैं और दलीर या पुत्रा तो बाद आ जा तू। ये देखो भाई मेरे जैसे बाहर निकला कुत्ता निकला, ये भी अपना यार है और डर रहा है एक कुत्ता पीछे लगा एकदम। और ये देख सकते हो गाड़ी दूर से कैसे लग रही है यार, एक तो कुत्ते को भगाना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक वाला लग रहा है। वो भाग गया यार, ये गाड़ी चमका वमका ली है हमने, तो हमने कहा यार ये हमारी जो गाड़ी के कलम वलम है ना, ये जो जिस बंदे से हमने ली थी उसने ही ठोकी थी गाड़ी को, तो मैंने कहा इसको यार इसको भी कलम वलम लगवाएं। चारों साइडों से ठुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको, इस साइड से भी भाई साहब ने ठुकी है और इस साइड से भी तो भाई साहब ने ठुकी थी। ये देखो थोड़ी बहुत ये हमने सही करवाया था थोड़ा बहुत, लेकिन इस पे कलम लगेगा मजीद सही हो जाएगा। और ये तो इस भाई ने बड़ी ठोकी थी, यहाँ से जैसे भाई साहब ने ठोकी थी ना तो यहाँ प्रेशर आ गया था थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मैंने कहा इस गाड़ी को भी कलम वलम लगवा लें। और जैसे कि कलम लगवाएंगे गाड़ी एकदम पप्पू लगेगी, न्यू लगेगी, 2024 की लगेगी। आपको पता है कि हमारी गाड़ी जो 2017 मॉडल की है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिफाजत की वजह से गाड़ी अभी तक भी न्यू ही न्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। बस माशाल्लाह कह देना गाड़ी को। और मेहरान के ऊपर भी एक व्लॉग बनेंगे और दुआ करें कि भाई आपका अपनी कमाई से बड़ी गाड़ी ले, तो उस पर भी हम व्लॉग्स बनाएंगे। जो हमने गोल रखा था 2 ईयर में गाड़ी लेनी है, लेकिन पता नहीं क्या है सोशल मीडिया बैन होने जा रहा है, पता नहीं अल्लाह केयर करेगा। भाई मैंने ये जो हेयर बैंड लगाया था तब मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बालों की इतनी बुरी कोई कंडीशन आ रही है, लेकिन मुझे लगा अच्छा कोई सही आ रहे होंगे। मैंने दरअसल ये हेयर बैंड इसलिए लगाया है कि ताकि मेरे आंखों में जो है बाल ना जाएं, तो तभी मैंने हेयर बैंड लगाया कि मेरे आंखों में जो बाल जाते हैं ना, तो ये गाड़ी साफ़ करने में या कोई स्टडी करने में या किसी और काम में जहाँ जो नीचे झुक के करने वाला होता है तो उसके आंखों में बाल आते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है मुझे। गाड़ी और बाइक हो गई हमारी रेडी और अभी हमारी जुमा नमाज होने वाली है, तो मैंने कहा मैं नहा धो के जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं और बस इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नहीं तो बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग।